रोड जाके मैंने आपको बताया था। ये नहीं पीछे वो जा रही थी एम्बेसडर। ससुराल में अगर आप आते हैं तो इस तरीके से खाली गाड़ी होती है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये नया व्लॉग होने वाला है, नैनीताल की साइड हम जा रहे हैं चेकआउट करेंगे द फैसिलिटीज़ ऑफ द रोड, जो हाईवे बना हुआ है। लास्ट ईयर मैं गया था, बहुत बढ़िया रास्ता था। मैं यूरोप गया हूँ, यूरोप से भी कई गुना बेटर हमारी जो हाईवे था वो था। अमेरिका में गया नहीं हूँ तो अमेरिका से मैं कंपेयर कर नहीं सकता, बट यूरोप से तो सच में बहुत बढ़िया था। सो आफ्टर वन ईयर मैं दोबारा जा रहा हूँ नैनीताल की साइड, चेकआउट करेंगे फैसिलिटीज़ ऑफ द हाईवेज़ एंड चेकआउट करेंगे, क्योंकि मेरा ससुराल वहीं पे तराई क्षेत्र में पड़ता है, नैनीताल से नीचे बाजपुर एरिया में आता है। सो वहाँ पे देखेंगे ये व्लॉग में कि क्या क्या उगता है उन एरियाज़ में। मेरे को पता है अमरूद उगता है, आम उगता है, आम तो इस टाइम पे होगा नहीं, पर इस टाइम अमरूद मिलेगा। और क्या क्या रहता है खेतों को वहाँ के चेकआउट करेंगे, और उसके बाद अगले व्लॉग में चेकआउट करेंगे पंगोड एंड ऑल दैट सराउंडिंग्स ऑफ द नैनीताल। सो गाइस स्टिक विद मी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी मेरे हिसाब से अच्छा होने वाला है ये व्लॉग। और प्लीज़ अगर आपको व्लॉग अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। नहीं लगेगा तो कमेंट करके कुछ भी बताना कि भैया ये मेरे को इम्प्रूव करना है, क्योंकि आई हैव जस्ट स्टार्टेड। सो करते हैं चालू अपने व्लॉग को, मिलते हैं आपको ऑन द हाईवे इन 1 2 3। रास्ते पे आ चुके हैं, काफ़ी फेबुलस रोड जैसे मैंने आपको बताया था। यूरोप की रोड भी क्या होंगी इस रोड के आगे। ये परफेक्ट हाईवे टूवर्ड्स नैनीताल। आपने मसूरी ऋषिकेश भी काफ़ी बार गए होंगे तो वो भी रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया है। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस रोड पे चलाने में अपनी गाड़ी को। इस बार मैंने जो हमारी दूसरी गाड़ी है उसमें जा रहे हैं, मेरी जो जीप है आई एम काइंड ऑफ मिसिंग इट, बट दैट्स ओके। मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया यार, धूप वूप जो है वो चली गई है, तो गर्मी का थोड़ा सा एहसास नहीं हो रहा है। मार्च का महीना है तो यस काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए भाई, बहुत अच्छा अपडेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे ये रोड जो मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया था, मैं 6 से 9 महीने पहले आया था यहाँ पे, बहुत जाम लगता था। अब ये रास्ता भी काफ़ी क्लियर कर दिया है, पूरा खुल गया है रास्ता। सो आई थिंक हाफ वे हम पहुंच जाएंगे विद इन एन आवर, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ 4 घंटे लगते थे टू रीच द बाजपुर एरिया, अब आई थिंक 3-3.5 घंटे ही लगेंगे। बाकी देखते हैं क्या कहानी रहती है। हम निकले हैं अराउंड 3 बजे, अभी 3:28 हो रहे हैं, 3 बजे के लिए निकले हैं, आधे पौने घंटे में हम यहाँ पर आ गए हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आपको इस तरह के फूल स्वागत कर रहे होते हैं मेन हाईवे पे। काफ़ी काफ़ी अभी पीछे, अभी थोड़ा मिस कर दिया हमने, बट पीछे कम से कम नहीं तो 100-200 मीटर तक रेड फूल, जो फ्लावर की जो बेले हैं, जो बोगनविलिया है, वो लगा हुआ था। अब जो हमारा नैनीताल का सफ़र रह गया है 248, वैसे तो अभी हमारा मुरादाबाद आएगा 114 किलोमीटर, अभी 3:51 हो गए हैं और 100-120 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। आज हमारे पास है वेन्यू हिंडा की, अमूमन मेरे पास होती है जीप कंपस, बट आज हिंडा की वेन्यू है। और देखिए क्या ब्यूटीफुल वे है यार, क्या रास्ता है, क्या खेत खलियान, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ब्रिज घाट पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। इससे पहले कई बार मैं इस रास्ते पे जैसे कि आया हूं तो ब्रिज घाट पहुंचते हालत इतनी टाइट हो जाया करती थी, और इस बार पता ही नहीं लगा, बात करते करते चुटकियों में आ गए। लगभग 1 घंटे के अंदर हम यहां पे पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, ये नहीं पीछे वो जा रही थी एम्बेसडर, इतनी सारी पुरानी एम्बेसडर जा रही थी, इतने साल पुरानी, पता नहीं कैसे चल रही होगी रोड पे बेचारी। It's amazing to be on such road, yaar. Look at this.
मुरादाबाद जो है अपना बाईपास हमने क्रॉस कर लिया है, दोनों तरफ खेत हैं। ये वाला जो हाईवे है थोड़ा सा संकरा हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ आई थिंक दो कार ही जा सकती है, जिसे कहते हैं टू लेन। हाँ, टू लेन हाईवे, आई थिंक दिस इज टू लेन और मे बी फोर लेन हाईवे आने जाने पे। बट यहाँ पे काफी सारे लोग, ये जो देख रहे हो आप बाउंड्री डिवाइडर, इस पे सी गाड़ियां बाइक लोग लेके आ रहे हैं, थोड़ी सी रिस्की हो जाती है क्योंकि कई बार गाड़ी जो है 100-120 पे चल रही होती है, एकदम से वो बाइक आती है, सो थोड़ा सा रिस्की मामला हो जाता है। हमारे बाइक वाले भाइयों से थोड़ा सा अनुरोध है जो देख रहे हैं, काइंडली डोंट डू सच थिंग्स व्हेन ऑन हाईवेज। ये लास्ट चौथा अंतिम हमारा जो टोल है ये पड़ा है, इसके बाद कोई टोल नहीं पड़ेगा, इसके बाद हमारा रामपुर के लिए कट आ जाएगा। और ये जो है टोल 125 रुपए का होने वाला है, 125-140 रुपए का होने वाला है। बट अमेजिंग टाइम गाइस, और 2.5 घंटे में हम यहाँ पे आ गए। अब रामपुर के लिए कट जाएंगे, अब से 5-6 किलोमीटर बाद लेफ्ट कट जाएगा रामपुर के लिए, और फिर अपना बाजपुर आ जाएगा। और ज़रूर जुड़िए रहिए इस व्लॉग के साथ, क्योंकि बाजपुर में हमारे घर में ज़रूर कुछ नन्ने मुन्ने मेहमान हैं, उन लोगों से भी आपसे मिलाएंगे, और जो खेत खलियान है उसको भी डीप तरीके से स्टडी करके देखेंगे क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ पे उगती है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। गाइस स्वागत है आपका रामपुर में। ओए होए क्या बढ़िया वाइब है यार, रामपुर में आ चुके हैं। और ये एरिया जो है यहाँ के बहुत कुख्यात डॉन वन जो बनते थे, आजम खान जो आजकल की जेल में है, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। आई मीन वेस्ट यूपी में आप आते हैं तो आज भी काफ़ी सारी आपको डेवलप्ड चीज़ यहाँ पे दिखेंगी। है छोटा सा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, आप यूपी के और गांव से इस छोटे से टाउन में घुसते हैं तो। Check the mic and make sure it sound right, boys.
उत्तराखंड। जी हाँ, हम हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में। मेरा ससुराल है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह ससुराल है। ओ ये देख सकते हैं यहाँ पे बाग है, अमरूद के बाग और आम के बाग दोनों आपको साथ देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। I'll take you there for sure. As well as we have small puppies here, पाकिस्तानी बुली अपने पास, तो वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और दिखाएंगे यहाँ पे खेत खलियान, ट्रैक्टर राइड एंड सो मैनी अदर थिंग्स। सो स्टिक विद मी टिल द एंड गाइज, एंड आई होप यू एंजॉय द वे टू हियर। कितना बढ़िया एक नंबर रास्ता था, बट स्वार एक रास्ता है, स्वार करके रामपुर के बाद का जो रास्ता था वो ख़ास नहीं था, वो अभी भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत विद दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस फार्म हाउस एंड एवरीथिंग हियर। मिलाता हूँ आपको यहाँ की सबसे प्यारी चीज़ गायों से। गायों के यहाँ पे नाम तो मुझे पता है नहीं, बट काफ़ी साहीवाल करके आई थिंक ये गाय हैं। इन्हीं गायों का यहाँ पे दूध, छाछ और घी बनता है, प्योर जो भी होता है। यहाँ पे एज यू कैन सी इस साहीवाल गाय कहा जाता है लोग गायों को। ना, डर गई बेचारी, कैमरा देख के डर गया एक्चुअली। माँ कैमरा, अरे भाई यहाँ पे देखो तो यहाँ पे घास वास काटने की मशीन भी है। तो ये यहाँ पे मोटर है और यहाँ से घास डालते हैं और यहाँ से घास निकलती है, भूसा ऐसे करके बन के रेडी हो जाता है फॉर ऑल दीज काउस। छोटी छोटी गाय देख रही है कि भाई हो क्या रहा है, ये कौन सा ब्लॉग बन रहा है और ये क्या लेके घूम रहा है। और ये वाली गाय जो है डर रही है एक्चुअली कैमरा देख के। इट लुक्स लाइक गन प्रॉब्ली टू देम, सो आई ट्राई अवॉइड, पास जाने से अवॉइड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे धान लगे हुए हैं, वहाँ तक धान लगे हुए हैं। अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो देखते हैं, आई होप कोई शेर वेर ना हो। व्लॉग बनाने का सुबह बना लो, काफ़ी इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता। एज यू कैन सी वहाँ पे एक बगुला भी है। लेट मी ज़ूम इन अ बिट। देख रहे ये अपना सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ पे आके किया जाता है और इसकी पीली पूरी चोंच है। इस तरीके से भाई खेत के मज़े हैं यहाँ पे, है ना। ससुराल है तो कभी मेरे को मौका मिलता है कि ससुराल में जाना है तो मैं तो भागा भागा आ जाता हूँ। तो मेरे पीछे अभी भी ये गेहूँ के खेत हैं, आई थिंक चावल होंगे या गेहूँ होंगे, आई थिंक ये गेहूँ है, इतना तो आई थिंक मैंने पढ़ाई करी हुई है बचपन की किताब में। हाँ इसमें से चावल निकलता है, गेहूँ निकलता है, पता नहीं, मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता क्योंकि जब किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो उसमें घुसना नहीं चाहिए। चेक करते हैं इसके अंदर निकलता क्या एक्चुअली। अभी तो इसके अंदर कुछ नहीं निकला, बट एनीवे, अरे बट ये क्या है गाइस, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप में से कोई बता सकता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई ज्ञानी इंसान मेरी वीडियो देख रहा हो तो काइंडली लेट मी नो व्हाट इज़ दिस। काफ़ी एरिया तक फैला हुआ है ये, क्या बोया है यहाँ पे हमारे ससुर जी ने, मेरे को आइडिया नहीं है। तितली एज यू कैन सी काफ़ी मज़े ले रही है इस जगह के। हाँ जी, तो वहाँ पे फूल वूल लगे हुए हैं, वहाँ पे गुलमोहर का पेड़ है एज यू कैन सी ओवर देयर, कलर वलर। ये यहाँ पे ये लोग अपना कूड़ा वूड़ा डालते होंगे, यहाँ पे दबा देते होंगे, जला देते होंगे, कुछ तरीके से कहानी होगी। एनीवे वो है भूस, आई थिंक उसको हमारे में तो भूस कहते हैं, गाय का चारा जो होता है जिससे गाय ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती है,
यहाँ पे अगेन कई किलोमीटर तक धान के खेत हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे बढ़िया चीज़ अराउंड दिस एरिया आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारे दिल्ली एरिया से ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है, वो है चूल्हा। यहाँ पे एज यू कैन सी ये है चूल्हा। यहाँ पे हो रही है जो सब्जी थी अपनी वो गर्म हो रही है, दाल मखनी है इसके अंदर। मेरे राइट ओवर देयर सामने आप देख रहे हैं तो ये है अंगीठी। आपने काफ़ी अंगीठियों पे हाथ से किए होंगे, बट ऐसी अंगीठी मैंने तो भाई पहली बार देखी है। इस पर भी गर्म हो रही है। ये सब्जी है नबीजान भाई? सब्जी तो नहीं है, कुछ और है? दूध है, दूध है। ये दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे, तो घी बनाने के लिए हो रहा है क्या ये? अच्छा अच्छा, लस्सी और घी बनाने के लिए इस प्रकार से जो दूध है गर्म होता है यहाँ पे। दो अंगीठी एक ये और एक ये। अब इसे जलाते कैसे हैं? धीमी आंच पे इसे उपले पे जलता है। इसके नीचे आई थिंक नीचे कुछ नहीं है, बस इसी के अंदर राख होती है नीचे, राख के ऊपर उपला और उससे धीरे धीरे ये जलता रहता है। और ये गर्म है कि नहीं चेक करते हैं, गरम है कि नहीं। गरम नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए भाई, प्योर दूध एक नंबर, जो हमने गाय देखी थी अभी पीछे उसी का दूध है। सेम चीज़ यू विल सी हियर। देखने में काफ़ी पीला और काफ़ी प्योर मिल्क लग रहा है। अब आप ये देखेंगे, ये है शकरकंदी। और ये है अपना ट्रैक्टर, जी हाँ, जिस पे आज शाम को हो सकता है हम सवारी करें फॉर श्योर। चलिए भाई चढ़ते हैं अपना। ये ट्रैक्टर है, लगता है काफ़ी दिनों से चला नहीं है, और यहाँ से इसका एग्जॉस्ट पाइप निकला हुआ है ऊपर। बड़े बड़े टायर हैं, काफ़ी पुराना लग रहा है। और इसी से होती है कटाई छटाई, वहाँ पे जो हमने गेहूँ के खेत देखे थे उसी की। मैंने आज तक तो चलाया नहीं, मौका मिलेगा तो ज़रूर चलाएंगे। फिर चलिए ब्रेकफास्ट की बात कर लेते हैं, ब्रंच एक्चुअली। यहाँ पे किस तरीके का मिलता है दिखाते हैं आप लोगों को। पराठा है, भटवे का पराठा आपको खाने को मिल जाता है, और ये पूरा बड़ा गिलास भर के लस्सी मिलती है। इसमें जीरा है, नमक है, थोड़ा बहुत चिली भी पड़ी हुई है। और आपको मैं दिखाऊं तो प्योर देसी घी नहीं, आई मीन ये है मक्खन, जो घर का बना हुआ मक्खन है। ये साइड में थोड़ी चटनी वगैरह मिल जाएगी, और दही बड़े अभी बन रहे हैं। ससुराल में अगर आप आते हैं तो इस तरीके से खातिरदारी होती है। लो जी, दही बड़े भी आ गए हैं यहाँ पर। ये भी घर के बने हुए हैं, हलवाई के बने हुए, घर के बने हुए। चलिए खा के दिखाते हैं। अरे मम्मी, दही बड़े की दुकान से है आपकी? हैं, इतने बढ़िया बनाए हैं, करवा दो उधर। इतने बढ़िया बनाए हैं आपने तो, बिल्कुल वैसे ही बनाए ऑलमोस्ट। ये तो परसों और भी ज्यादा टेस्टी थे। अच्छा अच्छा, परसों ये होली वाले दिन के बने हुए हैं। काफ़ी ट्रेंड है, हर जगह दही बड़े बनते हैं। तो मैंने तो ले लिया है चम्मच भर के मक्खन अपने पराठे पे। आई वॉज ऑन डाइट, बट यहाँ पे आके डाइट वाइट जो है वो भी
छोड़नी पड़ेगी, वो ना जो असल स्वाद है खेतों का, गांव का, वो फिर मिलता नहीं। Sound right, boy.